Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. ऑल इंडिया पर चलता रहा है चुनावी किस्सा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अंदर पहुंचे हुए हैं आजम खान से मुलाकात करने के लिए, जो सीतापुर जिला कारागार में बंद हैं। उनके साथ रामपुर के जिला अध्यक्ष और मोहली से पूर्व विधायक अनूप गुप्ता भी गए हुए हैं और ये मुलाकात एक घंटे तक चलनी बताई जा रही है। ऐसे में तमाम समाजवादी पार्टी के नेता इस समय बाहर मौजूद हैं जेल परिसर के, और हम आपको दिखाएंगे और उनसे बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। दूसरी बार ऐसा हुआ है जब आजम खान से मिलने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुँचे हैं। जब पहली बार आजम खान बंद हुए थे तब भी मिलने पहुँचे थे, और अब दूसरी बार जब बंद हुए तब भी मिलने पहुंचे हैं। तो तमाम ऐसे नेता आपको बाहर दिखाई पड़ रहे होंगे जो उनके साथ आए थे। अब इसके बाद आजम खान से जब मुलाकात कर लौटेंगे तो ये नेतागण, इनसे मुलाकात होगी। चूँकि लोकसभा चुनाव हैं, ऐसे में तमाम ऐसी रणनीति है जो बनाने में वो लोग जुटे हुए हैं। और देखिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिनसे एक एक कर जानने का प्रयास करेंगे। और ये बताइए, अंदर जेल में कौन कौन गया है मिलने? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हैं, अनूप गुप्ता जी गए हैं, और रामपुर के जिला अध्यक्ष जी गए हैं। जी, किससे मिलने गए? माननीय आजम खान साहब से मिलने गए हैं। दूसरी मुलाकात है अखिलेश यादव की आजम खान से? नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दूसरी मुलाकात है। जी, आज से क्या संदेश जाएगा? आज संदेश, राजनीतिक लोग हैं, बड़े नेता, दो बड़े नेता हैं दोनों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय आजम खान साहब जो, तो राजनीति पे ही कुछ चर्चा होगी वहाँ पर, और उनके परिवार जो इतने दिन से बंद हैं, उनके परिवार का जो शोषण हो रहा है उस पर भी चर्चा होगी, और जो भी होगी चर्चा वो सब आप लोगों के सामने खुल के आएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छतपाल यादव जो कह रहे हैं कि चूंकि राजनीतिक चर्चा है और जो भी निकल करके आएगा, जब बाहर निकलते हैं अखिलेश यादव तो आजम खान से मुलाकात में क्या कुछ हुआ वो भी निकलेगा। विधायक जी, लोकसभा चुनाव हैं, क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं? दिल्ली में कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश 50% से ऊपर। क्या कारण है ये आपको दिखाई पड़ेगा। अगर हम कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने एक प्रचार किया था, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, वो सब खत्म हो गया ना, फ्रॉड था इनका, झूठ था। अब क्या कहेंगे, चंदा घोटाला, क्या आप इस पर कहेंगे, क्या जनता से बोलेंगे? अरबों रुपया चंदा घोटाला में इलेक्ट्रल बांड के नाम पर इन्होंने लिया है, ये घोटाला नहीं है। कलाई पकड़ी, ईडी गई, 500 करोड़ आ गया, खत्म। ये इनकी व्यवस्था थी, ये आपको भी दिखाई पड़ रहा। आप छापे ना हिंदुस्तान का प्रेस न छापे उसके कोई मतलब नहीं, लेकिन आज की तारीख में यूट्यूब पे जबरदस्त चल रहा है। चला नहीं चला, आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, और हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। ये चीज़ घर घर पहुंच चुकी है, गांव के चौराहों पर इसकी चर्चा होने लगी है। एक घोटाला अगर उनका फर्जी था, उस पर हिंदुस्तान में आज भी कांग्रेस उभर नहीं पाई है, तो ये तो अब जिंदगी भर नहीं आएंगे, खत्म। आपको पूरा विश्वास के साथ? बिल्कुल खत्म। हम कभी गलत बोलते ही नहीं, जानते हो आप, रिकॉर्ड है हमारा, जो एनालिसिस है, ये खत्म हो जाएंगे, इनको नहीं आने वाले कैंडिडेट, चाहे जो लड़े। तो कैंडिडेट तो अभी आया नहीं, आपका आया नहीं, हाँ ना, चाहे जो लड़े। हम जानते थे पहले ही कैंडिडेट पे आप बात करेंगे, इसलिए हमने पहले कह दिया, चाहे जो कैंडिडेट लड़े। अच्छा, एक चीज बताइए विधायक जी, जो फार्मूला लहरपुर में अपनाया गया था जिससे आपको जीत मिली थी, एकमात्र समाजवादी पार्टी जीती थी, वही फार्मूला क्या सीतापुर में अपनाना चाहिए, सीतापुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को? देखिए, ये बात हम जब बैठेंगे तब आपसे बात करेंगे। फार्मूला कोई नहीं अपनाया गया, सारे जो भी पूरे जिले में हमारे एक फार्मूले पे सब लोग चुनाव लड़े थे, एक भाषण सबका एक था, बात सबकी एक थी। लेकिन कुछ चीज़ें जो चुनाव से पहले करनी चाहिए, वो जो कर लेगा वो मजबूत हो जाएगा। हालांकि इस बार वो दिक्कत हमको नहीं दिखाई पड़ रही है, वोट में कुछ गड़बड़ होगा, पिछली बार वोट में बहुत गड़बड़ हुआ है। डिलेटेड की मोहर कभी नहीं लगती थी, आप भी इतने दिन से हैं, कभी बताइए डिलेटेड की मोहर मतदाता सूची पे लगी हो?
आदमी जिंदा है, वोटर आईडी उसके हाथ में है, मोहर एक सरकारी मोहर लग गई डिलीटेड की, वोट उसका नहीं पड़ने पाया। एक चुनाव आयोग ने चुनाव के समय में आदेश कर दिया था, आपको याद हो चाहे ना याद हो, जिस पोलिंग स्टेशन पर 1000 से ऊपर वोट है उनको शिफ्ट कर दीजिए। तो ये जो मियाँ वाले पन्ना रहे, जो मुस्लिम के पन्ने थे वो पन्ने काट करके और दूसरी जगह जोड़ दिए गए। मेरी खुद की पोलिंग में नाम लेके कह रहा हूँ, ईरापुर बूथ हमारे यहाँ लगता है, 3 वोट मुस्लिम के हैं केवल और 63 वोट मूड़ी खेला के हमारे यहाँ पहुँच गए, जिनकी दूरी 10 किलोमीटर, वोट नहीं पड़े 63। चुनाव आपको विश्वास है कि जो गड़बड़ियाँ पिछली बार हुई थी वो नहीं होंगी और इस बार आपको जीत मिलेगी? बिल्कुल वो गड़बड़ी नहीं होगी, ये आप पक्का जान लीजिए, आप गड़बड़ी कर भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए बदला हुआ निजाम है। बिल्कुल ये कहना है लहरपुर के विधायक अनिल वर्मा का कि अब गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। हमारे साथ MLC हैं जासमीर अंसारी, आपके सीतापुर में 4 लोकसभा सीटें आती हैं और चुनाव बिल्कुल होने को है, ऐसे में अब क्या लगता है, जो बरसों से यहाँ पर ना तो समाजवादी पार्टी का खाता खुला है न कांग्रेस 35 साल से जीत पाई है, क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा? मुझे तो लग रहा है पूरा बदलाव होगा, पूरी तरीके से बदलाव होगा। इसलिए ये जनता की जो आवाज़ सुनाई दे रही है उससे बहुत बड़ा चेंज आएगा। अब से सीतापुर लोकसभा का चुनाव आपको बिल्कुल अलग दिखेगा। आज अखिलेश यादव जी मुलाकात करने पहुंचे, इसका कितना असर जाएगा? बहुत अच्छा असर जाएगा, बहरहाल वो नेता हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं आजम खान साहब से मिलने, ये बड़ी बात है। उनके आने पे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जनपद सीतापुर आने पे दिल से स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, आना चाहिए। और पिछली बार भी वो आए थे, कोई एक ही बार नहीं आए, वो तो कई बार आ चुके। देखिए आज पहुँचे हुए हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजम खान से मुलाकात करने, और आपको एक एक कर दिखाना चाहेंगे, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता आपको ये नज़र आएंगे, ये सारे लोग जो है अपने नेता के लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो जब लौटेंगे तो उनसे मुलाकात होगी पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के आवास पर, और ये लोग यहाँ पर जमा है फिलहाल अभी, और आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं सीतापुर जेल परिसर के बाहर का, और यहाँ से जब लौट कर वापस वहाँ जाएंगे तो उसके बाद मीडिया से भी मुखातिब होंगे, और उनकी इस मुलाकात को अहम इसलिए माना जा रहा है, ये माना जा रहा है कि रामपुर जो ज़िला है वहाँ से जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का घोषित होना है वो आजम खान से सहमति लेने के बाद ही घोषित होगा। यही कारण है कि आज जब मुलाकात करने के लिए आजम खान से पहुँचे अखिलेश यादव तो उनके साथ रामपुर के जिलाध्यक्ष और महोली से पूर्व विधायक जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अभी बनाए गए हैं अनूप गुप्ता भी साथ में गए हुए हैं। वहां से राय मशविरा लेने के बाद रामपुर का प्रत्याशी घोषित होगा, ऐसी उम्मीदें समाजवादी पार्टी के लोग लगाए बैठे हैं। अब वो बाहर निकल कर आते हैं तो तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अखिलेश यादव क्या बोलते हैं इस पर भी नज़र रहेगी आई इंडिया की। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। ऑल इंडिया पर चलता रहा है चुनावी किस्सा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।